जिलाभर में लंबे समय से चल रही अभी शराब बनाने के कारोबार को रोकने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार सैफी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा कुमार चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी सैफी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मटियार में एक मकान में अभी शराब बनाने का कारोबार चल रहा है और शराब को बनाकर अभी तरीके से बेचा जा रहा है। पुलिस ने मकान के अंदर दबिश दी तो मकान के अंदर बने गोदाम में अवैध रूप से शराब बन रही थी। पुलिस ने अभी शराब बनाने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से मकान के अंदर बने गोदाम से लाखों रुपए का शराब बनाने वाला केमिकल बरामद किया और 7-8 देसी 2 ड्रम 1 गैस सिलेंडर समेत 1 स्कॉर्पियो कार समेत अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा। इटावा से संजीव कुमार की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। कितने लागत ली गई, कितना बना लिया था माल? अभी माल सर बना लिया था न्यूनतम। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? सप्लाई सर ये गांव देहात में जाती थी और ये काटे थे वाली में जाती थी। गांव देहात पुलिस विभाग के कुछ लोग मिले हुए थे, आबकारी विभाग के सब मिले हुए थे। जो अपने ड्रम में पकड़े गए थे उस शराब पकड़े, कितनी कितनी कीमत है उसकी जो बिकेगी? सर ड्रम में शराब कोई खराब नहीं। लेकिन जो केमिकल लाते थे शराब बनाने, वो कहाँ से लाते थे? वो सर हरियाणा से आता, हरियाणा से लाते थे। सर थाना सैफई जनपद में यहाँ पे एक फैक्ट्री पकड़ी गई है अवैध शराब, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की है पुलिस को, क्या सफलता मिली है, कितने की? ये क्योंकि कल एक हमारा फैक्ट्री पकड़ी गई और फिर उसी कंटिन्यूएशन में मटियार गांव के पास सैफई में ही दोनों प्लेस सैफई थाने के अंदर पकड़े, इनमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने की जो सामग्री है वो बरामद की गई है। काफ़ी बड़े स्तर पर शराब बनाते थे, 2000 लीटर तो क्विंटल भी बरामद हुआ है और बहुत सारे भरे हुए थे। पूरा भी आप सामान सारा देख सकते हैं, वेपर बनाने की जितनी सामग्री है, मशीन पैकिंग से लेकर सब कुछ था इनके पास और बड़ी बड़ी मात्रा में बनाते थे। और उन्होंने पूछताछ से बताया कि हम जो सरकारी ठेके हैं उनमें सप्लाई करके पूछा। कितने लोग पकड़े गए इसमें? 4 लोग गिरफ्तार हुए और अभी 4 लोग फरार हैं। ये जो फैक्ट्री में बनाते हैं ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? ये सरकारी ठेकों में बेचने का माध्यम नहीं था कि बाहर नहीं बिकने दिए, जो सरकारी ठेके हैं उनके माध्यम से। इसमें जो कितने समय से ये लोग काम कर रहे थे इस तरीके से? इनका कहना है कि हम 5-6 महीने पहले से बना रहे हैं। सर ये जो केमिकल जो पकड़ा गया है इसमें यानी कितने लाख रुपए की देशी शराब बनाई जा सकती थी? एक लाखों में कई लाख की शराब बन सकती है, क्योंकि अभी उसका हमें आइडिया नहीं है कि उससे कॉन्सेंट्रेशन देखिए जो शराब बनती है उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन उसका है और कितना डाइल्यूट करके उसका बनाते हैं। अगर ये क्वांटिटी पता हो तो फिर भी बताया जाता है, लेकिन इससे लाखों रुपए की शराब बनाई जा सकती है। जो बरामद मटीरियल आप उसे देख सकता है कि कितने बड़े मात्रा में 25-26 हज़ार तो खाली